हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न, मैं चला अपडेट ए टू जेड में आपको स्वागत है। आपको पता है इस चैनल पे रोज पेटीएम रिलेटेड एक एक वीडियो आते रहता है हर रोज, क्योंकि जब भी पेटीएम में कुछ नया अपडेट आए या कैशबैक वाला ऑफर आए तो हम हमारे चैनल पे पहले वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, क्योंकि आप वो वीडियो देख के आप पेटीएम से अपडेट रह सके। तो आज फिर से पेटीएम रिलेटेड नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ कि पेटीएम वॉलेट से आप कैसे अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। देखिए, इस रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में पहले से एक अपलोड था। उस वीडियो में हम क्यूआर कोड के जरिए आपका वॉलेट से कोई बैंक अकाउंट को मनी ट्रांसफर करना सिखाए थे, मगर अभी पेटीएम ने एक फीचर लॉन्च किया है, डायरेक्टली पेटीएम वॉलेट से आप अपना बैंक अकाउंट को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को पहले देख सके। अगर आपको पेटीएम बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाइए मेरी वीडियो रिसोर्स में, वहाँ पे पेटीएम करके एक प्लेलिस्ट लिंक है, उस लिंक को ओपन करके पेटीएम बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो बात करते हैं वो फीचर के बारे में। देखिए, वीडियो बहुत छोटा सा बनने लगा, आपको बस आखिर तक देखना है कि कैसे आप अपना पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हम दो अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फुल केवाईसी अकाउंट के बारे में बात करेंगे और मिनी केवाईसी अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ये मेरा फुल केवाईसी अकाउंट है, तो मैं पहले फुल केवाईसी अकाउंट में इसका ट्रिक अप्लाई करके या कौन सा फीचर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताता हूँ, फिर हम जाएंगे मिनी केवाईसी के पास। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पेटीएम में अपना पेटीएम वॉलेट दिखा लूँ। मेरे पेटीएम वॉलेट में 40 रुपीज़ बैलेंस है अभी, तो कुछ अमाउंट को सेंड करके बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑल सर्विस का एक ऑप्शन है, आपको दिख रहा है ऑल सर्विस, तो हम ऑल सर्विस पे क्लिक करते हैं। जब ये ऑल सर्विस पे क्लिक करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर नया ऐड हो चुका है, रिचार्ज, अनबिल पेमेंट, लोन, क्रेडिट कार्ड, स्टॉक एंड IPO, ट्रैवल्स, मूवी, इवेंट और मिनी आफ्टर वॉलेट इंश्योरेंस, काफ़ी सारा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉलेट सेक्शन में जाना है। अब चलते हैं वॉलेट सेक्शन में। जब हम वॉलेट सेक्शन में जाएंगे तो यार ऐड मनी वॉलेट टू बैंक गिफ्ट वाउचर ऑटोमेटिकली ऐड मनी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट टू बैंक का एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। यानी अगर पहले हम वॉलेट से बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के लिए चाहे पेटीएम बिजनेस ऐप का क्यूआर कोड को स्कैन करते थे या कोई और क्यूआर कोड को स्कैन करते थे और हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक मनी ऐड करके सेंड करते थे, मगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक अभी जो नया फीचर में पेटीएम अभी एक फीचर ला चुका है वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर का एक नया फीचर ला चुका है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वॉलेट टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट सेट करना पड़ेगा, जो अमाउंट आपको 20 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक सेंड कर सकते हैं, तो हम मिनिमम 20 रुपये ही सेंड करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे 20 रुपये से लेकर 25,000 तक सेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 10 रुपये एंटर करूँ तो प्रोसीड करूँ तो यहाँ पर 20 से लेकर 25,000 तक रुपये है। तो मैं क्या करता हूँ, 20 रुपये आपको ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो 20 रुपये आप मनी ऐड करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जब भी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर काफ़ी सारा अकाउंट ऐड है, अगर आप इसमें काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन करके देख चुका हूँ इसलिए आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। अगर आप इसमें से कोई अकाउंट नहीं है, आप नया अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जब भी आप ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करें तो यहाँ पर एंटर अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नेम, मैं पहले इसको एंटर कर लेता हूँ। देखिए, मैं अकाउंट नंबर IFSC कोड वेरीफाई कर चुका हूँ। आप पहले जब भी आप अकाउंट नंबर एंटर करें तो IFSC कोड को वेरीफाई कर ले, अगर IFSC कोड वेरीफाई है तो इसका मतलब आप अकाउंट नंबर सही है, तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार फिर से बैंक अकाउंट का नंबर को फिर से री एंटर करना पड़ेगा कन्फर्मेशन करने के लिए, तो मैं मेरा कन्फर्मेशन कर लेता हूँ। तो बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन करके कन्फर्म क्लिक कर दें, तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 रुपये, चार्जेस कुछ नहीं, 0 चार्जेस, आप कोई भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको 0 चार्जेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक OTP आएगा, जिस बैंक अकाउंट का आप जिस अकाउंट का आप यूज़ करें उसका एक OTP आएगा। तो हमारा OTP आ रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं OTP तक, आपको मैं लाइव करता हूँ। तो OTP आ चुका है हमारा, तो हम OTP को यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो OTP को एंटर कर लेते हैं, पहले मैं पहले OTP को एंटर कर लेते हैं, OTP करके एंटर कर लेंगे और आपका ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो एंटर OTP फिर से दोबारा OTP आएगा वेरीफिकेशन, तो OTP करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए आपका वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं वॉलेट में, अभी मैं वॉलेट देखता हूँ बैलेंस कटा ही नहीं कटा है। तो यहाँ पर आप वॉलेट देख सकते हैं 40 रुपये था, 20 रुपये हो गया। ये था फुल KYC। अभी हम बात करते हैं मिनी KYC में कैसे आप अपना वॉलेट से बैंक अकाउंट को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा मिनी KYC का ID है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर प्रोफाइल चलता हूँ। तो आपको जब भी मैं आपको दिखाऊं वॉलेट स्टेटस तो अपग्रेड है, मतलब मेरा मिनी KYC का अकाउंट है। तो इसमें कैसे आप अपना वॉलेट से अपना बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर आपका अभी तक मिनी KYC है और आप वॉलेट को एक्टिव नहीं किए तो इसी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। अगर आपका मिनी KYC है, कैसे आप अपना वॉलेट को एक्टिव कर सकते हैं, आप वो वीडियो देख के अपना वॉलेट को एक्टिव करा सकते हैं।
तो बात करते हैं तो उसका। देखिए यहाँ पर पहले हम फुल केवाईसी में ऑल सर्विस का ऑप्शन था, यहाँ पर ऑल सर्विस का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी ऑल सर्विस का ऑप्शन नहीं मिले। तो आपको क्या, हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है पेटीएम वॉलेट टू बैंक, वॉलेट टू बैंक को एक ऑप्शन को आपको सर्च करना है। जैसे वॉलेट टू बैंक, जब भी वॉलेट टू बैंक आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ फुल केवाईसी में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब भी उसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए अभी इसके ऊपर जब भी क्लिक करते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो इससे पहले बैंक अकाउंट मांगता था अभी ये मांग नहीं रहा है। हम दोबारा भी चेक कर लेते हैं वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर पे, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी जो वो जो वॉलेट टू बैंक अकाउंट का फीचर है वो बस फुल केवाईसी वालों के लिए है, मिनी केवाईसी वालों के लिए नहीं है। अभी मिनी केवाईसी में हम अपना वॉलेट कैसे अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम पहले से बात कर चुके हैं, मगर फिर से मैं आपको बता दूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फुल केवाईसी आईडी पे कुछ मनी ट्रांसफर करना है। जैसे आप अपना आपका फुल केवाईसी आईडी पे आपको अपना फुल केवाईसी आईडी, अगर आपका फुल केवाईसी नहीं है तो आपको कोई फ्रेंड का फुल केवाईसी होगा या अपना कोई फ्रेंड फैमिली में फुल केवाईसी होगा, तो आपको उनके नंबर पे क्या करना है, आपको उनके नंबर पे आपको वॉलेट ट्रांसफ़र करना है। तो मैं आपको मैं अपना वॉलेट में वॉलेट ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जब भी आप उनके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या होगा, तो वो अपना वो उनके वॉलेट से, देखिए मैं यहाँ पर 20 रुपये ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो क्या होगा वो उनके वाल जिसके 40 रुपये तो 20 रुपये कर लेते हैं। तो अगर आप अपना कोई भी फुल केवाईसी आईडी पे मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं वॉलेट से, वॉलेट को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो उनका जो भी उनका वॉलेट में चला जाएगा तो वो उनकी आईडी से वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मिनी केवाईसी वॉलेट ट्रांसफ़र करने का बस यही एक जरिया है, और आप कोई भी जरिए से आप अपना वॉलेट से मनी को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। या अगर आपके पास फुल आपके पास क्या बिजनेस है, आप पेटीएम है तो बिजनेस है, आपको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कर सकते हैं, नहीं तो अपना वॉलेट को वॉलेट ट्रांसफर करके अपना क्यूआर कोड को आप क्यूआर कोड के थ्रू तो नहीं कर सकते क्योंकि बैंक अकाउंट जरूरत पड़ेगा, तो आप अपना वॉलेट टू वॉलेट बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर लीजिए कोई फुल केवाईसी पे, और उनके वॉलेट से आप अपना बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर लीजिए। तो एक जरिया है आप अपना बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करने का जो मिनी केवाईसी में है। तो देखिए मैं ट्रांसफर कर चुका हूँ, अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर 20 रुपये है ट्रांसफर कर चुका हूँ, और मैं यहाँ पर आपको वॉलेट भी दिखा दूँ मेरा पेटीएम वॉलेट, तो 40 रुपये था अभी 20 रुपये, तो पेटीएम बैलेंस हिस्ट्री भी दिखा दूँ। देखिए ये मेरा मिनी केवाईसी का आईडी है, और मिनी केवाईसी आईडी पे मैं अपना वॉलेट को यूज़ कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं अपना वॉलेट को यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर अभी तक आपका मिनी केवाईसी है और आप अपना वॉलेट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करिए, वहाँ पर कंप्लीट वीडियो है, वो वीडियो देख के आप अपना वॉलेट को कैसे एक्टिव कर सकते हैं मिनी केवाईसी वॉलेट को, वो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, उसमें जो ट्रिक दिया गया है बताया गया वो ट्रिक को फॉलो करिए, और आप भी अपना मिनी केवाईसी आईडी पे अपना वॉलेट को एक्टिव कर सकते हैं, वो वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि कैसे आप अपना वॉलेट को बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया कर लेके।